नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी शुभ मंगल कामना करते हुए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में आइए चलते हैं, जानते हैं कि साल का जो दूसरा चंद्र ग्रहण है वो पड़ रहा है 5 जून को। जी हाँ, ये रात में 11:15 पर प्रारंभ होगा और 6 जून की सुबह 2:34 तक रहेगा और भारत में पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये हमारे जीवन पर अवश्य ही प्रभाव डालेगा। तो आइए जान लेते हैं कि किस राशि पर ये क्या प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। आप परिवार वालों की सेहत का ख्याल रखें। आप कई तरह के तनाव से घिर सकते हैं। इस समय कोई वाद विवाद ना करें तो अच्छा है। मकान घर को लेकर आपके जीवन में कोई समस्या आ सकती है। इसमें कोई निर्णय लेना चाहते हैं आप, लेकिन आप उलझन में फंसे हैं, तो अपना विशेष ख्याल रखें और उलझन में ना रहें, अच्छा होगा। वृषभ राशि की बात करें तो चंद्र ग्रहण आपके जो रिश्ते हैं उनको प्रभावित कर सकता है। इस समय आप चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर है, तो उनसे आप तनावपूर्ण स्थिति में ना रहें, मन मुटाव से बचें। चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, इन दोनों से आप सतर्कता से बात करें रहें। मिथुन राशि वालों, अगर आप किसी महिला से जुड़े हैं और उससे अनबन है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आपको सेहत को लेकर के भी कोई दिक्कत आ सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको सोच समझकर हर कार्य को अंजाम देना है। कर्क राशि वालों, आपका जो स्वामी है वो चंद्रमा ही है। आपके लिए ये ग्रहण परेशानी लेकर उठा सकता है और वो रिश्ता है चाहे शिक्षा है, आपके पुत्र पुत्री हैं, इसलिए आप इनसे विशेष ध्यान से इनसे बात करें और इनसे व्यवहार करें। सिंह राशि वालों के लिए, अगर आप अपनी माता का ख्याल रखेंगे तो अच्छा होगा और आप तनाव से अगर जूझ रहे हैं तो आप कोई तनाव से बचें। और कन्या राशि वालों के लिए, आत्मविश्वास की थोड़ी आप में कमी है। किसी दोस्त या भाई बहन से आपका जो संबंध है उसमें खटास भी आ सकता है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि वालों, आप अपने वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें और कार्य क्षेत्र जो है आपका, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी चीज को बोलने से पहले अभी 10 बार जरूर सोचिए। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आपके जीवन में अभी मानसिक तनाव आने वाला है या है, और आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है, इससे आपको मदद भी मिलेगी। तो अगर तनाव में है तो आप तनाव की स्थिति को दूर करिए और ईश्वर का नाम लीजिए। धनु राशि वालों की बात करें तो आप जो फैसला ले रहे हैं इस समय वो गलत भी साबित हो सकता है। इस समय आप कोई फैसला लेने से बचें, नकारात्मक विचार को मन में जगह मत दीजिए। मकर राशि वालों, कुंभ अगर बात करें तो आप जो धन के स्रोत हैं आपके वो बंद होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई आपका काम जो है वो रुक सकता है। जीवन साथी से आपका मन मुटाव हो सकता है। परिवार में पति पत्नी में कोई तीसरा व्यक्ति दस्तक दे सकता है जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपको इससे बचना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए, आपको अपने पिता को लेकर उनकी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके शत्रु छोटे बड़े आपको प्रभावित कर सकते हैं। कोई महिला आपको आप पर आरोप भी लगा सकती है। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। इस समय आपको आगे सेहत का भी विशेष ख्याल रखना होगा। मीन राशि वालों की बात करें तो बच्चों का ध्यान आपको विशेष रखना है और अपने संबंध में गलतफहमी को बिल्कुल जगह ना दें। किसी की बातों पर विश्वास ना करें, प्रेम को जगह दें जिससे आपका संबंध बना रहे। वाहन और यात्रा से संबंधित आपको परेशानी आ सकती है मीन राशि वालों के लिए, तो आपको विशेष ध्यान रखना है और ग्रहण काल से बचने के लिए इनका जो दुष्प्रभाव है आपके जीवन पर ना पड़े, इसलिए ग्रहण काल के दौरान आपको सोना नहीं है और वाद विवाद नहीं करना। आपको भगवान के नाम का जप करना है, स्मरण करना है। इससे क्या होगा कि दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना के बराबर होगा, आप बच पाएंगे। और ग्रहण काल के पश्चात कुछ दान करिए आप और स्नान करिए, भगवान का नाम लीजिए, इससे आप दुष्प्रभाव से बचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।